आप सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसको उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मानसून सेशन में, तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाएं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं, किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके कारण हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।